नमस्कार, आदाब। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं दीन दुनिया। आलम इस्लाम और हमवतन भाई बहनों को ईद उल फित्र की मुबारकबाद। सऊदी अरब, यूएई, मिडिल ईस्ट के तमाम मुल्कों और दुनिया के कई हिस्सों में बुध के रोज ईद उल फित्र मनाई गई, जबकि बर्रे सगीर में हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार समेत दुनिया के कुछ हिस्सों में जुमेरात 11 अप्रैल को ईद का त्यौहार है। माह मुबारक में 30 रोजे पूरे कर मुसलमान आलम बेहद खुश हैं और ईद के मौके पर दुनिया भर के बाजारों में खास रौनक है। वहीं मिडिल ईस्ट के ममालिक में बड़ी तादाद में रह रहे बर्रे सगीर के मुसलमानों ने बुध को ईद की नमाज अदा कर खुशियां सेलिब्रेट की। पाक सरजमी सऊदी अरब के मदीना में ईद की नमाज अदा करने बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। इसके पहले जकात और सदका ईद उल फित्र अदा किया गया। पूरी दुनिया में उम्मत मोहम्मदी ईद की खुशियों में मुब्तला है। वहीं मस्जिदों में गजा के मजलूमों के हक में भी दुआएं की गई हैं। इजरायली हमलों में जामे शहादत हासिल करने वाले बच्चों और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश की गई। जॉर्डन में प्रदर्शनकारियों ने राजधानी अम्मान की सड़कों पर हजारों की तादाद में इकट्ठा होकर फिलिस्तीनियों के लिए एकजुटता दिखाई। उन्होंने गजा में युद्ध विराम की मांग की। मुसलमानों का कहना था कि हमें नहीं लगता कि हम ईद का जश्न मना सकते हैं। गजा के हालात देखते हुए ऐसा करना शर्मनाक होगा। अरब ममालिक के साथ ही दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले मुल्क इंडोनेशिया में भी मुसलमानों ने सादगी से नमाज ईद उल फित्र का एहतमाम किया। सऊदी अरब, ओमान, कतर, कुवैत, बहरीन, मिस्र, तुर्की, ईरान, यूएई, यूनाइटेड किंगडम और मध्य पूर्व और पश्चिम यानी मशरक वस्ता के दूसरे मुल्कों में 9 अप्रैल की शाम को चांद नजर आ गया था, जिसके बाद वहां पर ईद की खुशियां अपने ट्रेडिशन के हिसाब से सेलिब्रेट की गई। आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया। समिया अल्लाहु लिमन हमिदा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। Allah